नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। 5 ओवर 37 रन 2 विकेट, पहला मैच पहला विकेट अफीफ हुसैन का, जिसका कैच पकड़ा सिराज ने। दूसरा विकेट इबादत का हिट विकेट के रूप में आया, लेकिन भारत हार गया। मेहंदी हसन और इबादत की अर्धशतकीय रिकॉर्ड साझेदारी की वजह से हम बात कर रहे हैं कुलदीप के पहले मैच की। रीवा के लिए गौरव का दिन, ऐतिहासिक दिन अगर खेल की बात की जाए तो। रीवा के कुलदीप सेन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। रीवा का पहला खिलाड़ी जिसने मैच खेला हो, एक दिवसीय या कोई भी इंटरनेशनल मैच, भारत की ओर से ऐसा काम किया कुलदीप ने। पूरे रीवा शहर के लिए गौरव का दिन, ऐतिहासिक दिन। आइए आपको दिखाते हैं कुलदीप के पदार्पण का पहला ओवर, किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के लिट्टन दास और अनकुबई शाकिब को परेशान किया। पहले ही ओवर में एक मौका भी बनाया कप्तान रोहित ने। कुलदीप गेंद पैर में लगने की वजह से डीआरएस भी लिया था, लेकिन साकिब को तीसरे एम्पायर ने बचा लिया। लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकल रही थी। साथ ही हालांकि भारत हार गया, अंतिम विकेट के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड साझेदारी की, जिसकी वजह से भारत मैच जरूर हार गया, लेकिन कुलदीप ने पहला मैच खेल के रीवा के लिए जरूर इतिहास बना दिया। मैं इस समय मौजूद हूं रीवा के विश्वविद्यालय स्टेडियम में। आज रीवा के खेल की जगत में एक ऐतिहासिक घटना हुई है। ये मैदान जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो इस बात के गवाह हैं। रीवा ने आज पहला इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हुए, हालांकि टीम में इसके पहले ईश्वर भी थे, लेकिन इस बार पहली बार किसी खिलाड़ी ने रीवा में के किसी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, और उसको इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके कोच एरिल एंथोनी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा, उसके पहले आपको बता दें भारत बांग्लादेश के खिलाफ मैच का जो 12वां ओवर फेंका गया वो इन्हीं के शिष्य कुलदीप ने फेंका था, और उसमें एक विकेट के भी चांस बने थे जब बांग्लादेश के कप्तान शाकिब के पैर में गेंद लगी थी। हालांकि कप्तान रोहित ने डीआरएस लिया था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। एरिल, किस तरीके से आप उनको देखते थे, क्या लगता था आपको, कितना पोटेंशियल था? टैलेंट तो था जब वो आए थे 12-13 साल की उम्र में, और उनके परिवार वालों को नहीं मालूम था कि वो प्रैक्टिस करने आते हैं। माता जी को भी कुछ दिन बाद पता चला, पिताजी हालांकि नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट खेलें, क्योंकि उस फैमिली से आते थे कि भाई उनके पापा चाहते थे पढ़ लिख के कुछ नौकरी चाकरी करें और घर की हेल्प कुछ भी कर लूँ। दो बहनें, तीन भाई थे, वो बड़े हैं सबसे, तो उनका खेल में लगन था, तो मैं निरंतर आया और मेहनत किया। जो भी उनको सामान की ज़रूरत पड़ी तो हमने द्वारा प्रोवाइड। जैसा कि अरिल आपने कहा कि उनकी घर के हालात ठीक नहीं थे, यहाँ पर क्रिकेट खेलने में काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, आपने उनकी किस तरीके से मदद की थी? हालांकि मुझे तो मालूम है, मेरे दर्शकों को भी ये बात आप बताइए, आपने किस तरीके से उनकी मदद की? जहाँ तक मदद की बात है, खाली कुलदीप में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो किसी के फादर पान की दुकान खोले हैं, कोई सब्जी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, जैसे वो टैलेंटेड होना चाहिए होता है, और कहीं वो टैलेंटेड और मेहनत करना चाहता है और निरंतर मेहनत करके कुछ क्रिकेट में मुकाम हासिल करना चाहता है, उनको हम सामान प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सामान के अभाव में बच्चे ना खेलें और फिर हमारा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फेस हम लोग ने भी देखा है कि हम लोग ने आप भी क्रिकेट खेले हैं, हम लोग किस तरह से एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करके क्रिकेट खेलते थे, और उतनी अब तो सुविधाएँ भी अच्छी हो गई हैं, और इस वजह से प्लेयर निकल रहे हैं और निरंतर आने वाले समय में निकलेंगे। जहाँ तक कुलदीप की बात है, ये 12-13 साल का फेज बहुत लंबा होता है, उन्होंने निरंतर मेहनत की। अब बीच में कोविड हुआ था तो परेशान भी थे, क्योंकि दो साल पूरा एकदम क्रिकेट बंद था, और नॉर्मली जो आदमी ये खिलाड़ी जो सवेरे शाम ग्राउंड में रहता है तो उसको घर में रहना, मतलब फिर भी मैं बोला था कि आसपास जो भी आपका आसपास ग्राउंड है वहाँ पर मेहनत करिए। आसपास ग्राउंड है, आपने लगातार उनको कोविड के दौरान भी प्रेरित किया। आज जब उन्होंने पहली फेंकी, क्योंकि आप भी पेस बॉलर हैं और आपने उनको तेज गेंदबाजी के बहुत सारे गुर सिखाए,
तो कैसा लगा आपको, क्या किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, जरा उनकी गेंदबाजी के बारे में, आज के पहले ओवर के बारे में बात करिए। पहले तो मैं गेंदबाजों को इस चीज़ की बधाई दूंगा कि कुलदीप से मैच इंडिया टीम में 11 में चुने गए और ये हमारे लिए गौरव की बात है। जहाँ तक कुलदीप की बॉलिंग की बात है, अब पहला उनका इंटरनेशनल मैच है तो थोड़ा मुझे नर्वस लग रहे थे, पर धीरे धीरे वो रोहित शर्मा जी का कप्तान है, वो उनको सपोर्ट करेंगे, पूरी टीम सपोर्ट करेगी और फिर निरंतर वो अच्छा करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे पहले स्पेल में उनका थोड़ा लग रहा था कि नर्व थोड़ा लो है, क्योंकि पहला इंटरनेशनल नो ओवर, नो डाउट किसी को भी जो प्लेयर इंडिया के लिए खेलता है पहला मैच होता है, थोड़ा प्रेशर में रहता, और धीरे धीरे वो सब चीज़ से वो बाहर निकल के अच्छी बॉलिंग। पहले ओवर में थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दिए, हालांकि हर नए खिलाड़ी के साथ कुछ यही होता है। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, उनके कोच को ढेर सारी बधाई, रीवा के लोगों के लिए ढेर सारी बधाई। मैं अब आपको वो दिखाता हूँ, वो पहला ओवर। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।